हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कल के दिन से जो मार्केट वापस स्टार्ट हो रहा है, ऐसे 10 से 15 स्टॉक है जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक पूरे बाजार की नज़र में रहने वाले हैं। अगर आप मीडिया सेक्टर की भी बात करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, उसी के साथ साथ यूट्यूब, या फिर अगर हम लोग बात करें टीवी के ऊपर भी, ये सारे स्टॉक्स के ही चर्चा रहने वाली है, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। सो इन स्टॉक की लिस्ट आप लोग बना सकते हो। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इसी टाइप के स्टॉक लिस्ट बनाई थी, वॉच लिस्ट बनाई थी, एंड लगभग 90% से ज़्यादा के शेयर हम लोगों को हाईली वोलेटाइल होते हुए देखने को मिले थे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 10 से 15 स्टॉक, यहाँ पे कम्प्लीटली बाजार को यहाँ पे अपने चाल के अनुसार यहाँ पे हिला सकते हैं। तो आप लोगों ने भी इन 10 से 15 स्टॉक की लिस्ट फटाफट बना लेनी चाहिए एंड इनके ऊपर ज़रूर फोकस रख लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट SMKC इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन रहता है उसको भी हिट करके ऑल करके ऑप्शन होता है नोटिफिकेशन का, वो सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिलेक्ट करोगे तो डेली बेसिस के ऊपर जितने भी मेरे वीडियोज़ रहते हैं, अपडेट्स रहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी 3 वीडियोस यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए। आपको तीनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक भी वीडियो मिस मत करना। हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को अपडेट रखने से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग लंबी अवधि की पारी खेलना चाहते हो सो अपडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आपसे कभी भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज संडे का दिन है एंड कल मंडे 29 जून, आप सभी लोगों को पता है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे अभी लिस्ट ही देखोगे उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बहुत कल का भी दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ITC लिमिटेड, अभी ITC के रिजल्ट नहीं आने वाले, इनके रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके, बट बाजार कल इनके रिजल्ट को रिएक्ट करने वाला है। रिजल्ट कैसे अच्छे लगे बुरे लगे ये हम लोग को देखना पड़ेगा। 10.15 रुपी का पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर रिकमेंड कर दिया है, जो कि बहुत ही सॉलिड है। ITC लिमिटेड के रिजल्ट कैसे रहे डिटेल में वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। पूरा वीडियो मैंने डिटेल में आपके लिए पेश किया, कैसे कंपनी के रिजल्ट रहे, हर सेगमेंट में कैसा परफॉर्मेंस रहा, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो स्टॉक तो बहुत बढ़िया है, बट यहाँ पे पेशेंस चाहिए। धीमे लोगों के लिए स्टॉक यहाँ पे बना हुआ है, जो कछुए की चाल से आगे ग्रो करना चाहते हो उनके लिए। सो जो लोग फास्ट रिटर्न कमाना चाहते हो उनके लिए ये स्टॉक तो फिलहाल है ही नहीं। उसी के साथ साथ ग्लेनमार्क, आप सभी लोग पता है बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रही थी फेवी फ्लू से रिलेटेड, ये कंपनी ने भी 220 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, लगभग 36% की जंप देखने को मिले। सो कल बाजार में इस कंपनी के रिजल्ट को भी कैसे लिया जाएगा ये भी हम लोगों को ज़रूर देखना है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो कल और एक स्टॉक यहाँ पे चर्चे में रहने वाला है, जिसका नाम है रुचि सोया। रामदेव जी बाबा, आप सभी लोग पता है उनकी पतंजलि, उसके ऊपर FIR आ चुका है, बट उस कंपनी का इससे कोई ज़्यादा लिंक नहीं है। बट इनके नंबर्स Q4 के जो आए हैं वो इतने खास नहीं है, तो कल देखना है कि मैक्सिमम शेयर्स है वो प्रमोटर के पास ही है, तो क्या वो यहाँ पे कोई एग्जिट करने की बात करेंगे। चांसेस तो बहुत ही कम है, बट स्टिल इस कंपनी को भी आप लोगों ने वॉच लिस्ट में ज़रूर सेट करना चाहिए। अभी हम लोग आएंगे 29 जून कल के ही दिन की बात, कौन कौन से ऐसे शेयर है जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। बालाजी टेलीफिल्म्स, आप सभी लोगों को पता है एकता कपूर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में छाई हुई है, आप सभी लोगों को पता है। सो इस कंपनी के भी कल Q4 के नंबर्स आने वाले, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं था कि ऐसा स्टॉक भी है, एंड ऐसे बहुत सारे 30 से 40 कंपनी है जिनके स्टॉक आपको पता भी नहीं होंगे। सो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, जो कि रिटेल इन्वेस्टर को पता ही नहीं कि ऐसे ऐसे कंपनियों की भी शेयर्स है, जिससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना लिया है। सो बालाजी टेलीफिल्म्स के ऊपर आप लोगों की कल नज़रें रहनी चाहिए। उसी के साथ साथ बैंकिंग स्टॉक के जब रिजल्ट आते हैं तो बाजार का फोकस ज़रूर होता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कैसा परफॉर्मेंस देखा, इस वक्त बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट घट रहे, बट उनके जो NPA है, असेट क्वालिटी है, हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे बैंक्स के असेट क्वालिटी में सुधार है। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कल कैसा परफॉर्मेंस देगा ये भी हम लोग को देखना है। रिजल्ट से पहले 14% की जंप दिखाई है, उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये भी कल अपने कंपनी के रिजल्ट पेश करने वाली, जिसके ऊपर बाजार की फोकस ज़रूर रहेगी। उसी के साथ साथ मिंडा इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी है, BMW, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर, मारुति सुजुकी, बजाज, हीरो जैसे इनके क्लाइंट्स हैं जिनको ये क्या करते हैं, पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं। सो मिंडा इंडस्ट्री के भी रिजल्ट कल आप लोगों को देखने को मिलने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है, ज़रूर आप लोगों ने इस स्टॉक के ऊपर फोकस रखना चाहिए, जिसको छोटा मदरसन सुमी भी बोला जाता है। उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा महंगा शेयर MRF, रिजल्ट के पहले ही लगभग 1,500 पॉइंट की रैली, 2.5% के आसपास की जंप, 66,348 के आसपास ये स्टॉक जा चुका है। सो रिजल्ट बहुत अच्छे आने की उम्मीद यहाँ पे देखी तो जा रही है, हकीकत में कैसे आएंगे कल क्या टाइम ही ये बताने वाला है। सो ऑब्वियसली
99% रिटेल निवेशक के पोर्टफोलियो में इतना महंगा शेयर नहीं होता है, बट स्टिल आप लोगों ने फोकस इस स्टॉक के ऊपर भी ज़रूर रखना चाहिए। सो MRF के बाद यहाँ पे कोई स्टॉक है जो कि एक पेनी स्टॉक है, PC ज्वेलर, इसके भी रिजल्ट कल हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए तो एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक अमंग द रिटेल निवेशक आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये भी स्टॉक के रिजल्ट कल हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। थोड़ा सा और आगे जाए तो RVNL, आप सभी लोगों को पता है ये कंपनी जिसके रिजल्ट पोस्टपोन हो चुके थे, यस फ्राइडे के दिन हम लोग को इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलने वाले थे 26 जून को, वो कैंसल ओके अभी हम लोगों को यहाँ पे आगे देखने को मिल रहे सैटरडे 27, संडे 28, 29 जून कल के दिन ये कंपनी अपने रिजल्ट पेश करने वाली है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल का दिन, कितने सारे कंपनी के रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। टाटा स्टील ये भी कंपनी कल अपने Q4 के नंबर्स पेश करेगी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, इंडेक्स में आने वाली बहुत सारे स्टॉक्स है उसमें भी हम लोगों को ये रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। सो 29 जून कल का दिन तो बहुत 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 ज़्यादा बिजी रहने वाला है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें अभी 30 जून की मंगलवार के दिन की, तो कौन से स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप लोगों ने वॉच लिस्ट बनानी चाहिए, तो सबसे पहला स्टॉक जिसने बहुत सारे रिटेल निवेशकों को कंगाल कर दिया, 7NR रिटेल लिमिटेड। आप सभी लोगों को पता है ये स्टॉक मैंने वॉर्न किया था मत इसमें पढ़ना, जिन लोगों ने भी इसमें निवेश किया था पैसा जिनको मिला है वो बच गए, जिनको नहीं मिला वो आज तक उनको पता है वो कितना बड़ा नुकसान में बैठे हुए हैं। कम्प्लीटली ये गैम्बलिंग वाले स्टॉक रहते हैं। अगर आप इसके चार्ट पैटर्न भी देखोगे कैसे इस स्टॉक को ऊपर लेके गया एंड सडनली यहाँ पे ऑपरेटर ने कैसे रिटेल निवेशकों को यहाँ पे जान ले ली, इसीलिए मैं बताता हूँ कि ये पेनी स्टॉक होते ना दिखने के लिए मस्त होते ऊपर जाते जाते जाते, बट जब गिरावट होती है सारा खेल पलट जाता है, बड़े लोग माल निकल के बेच के निकल जाते एंड छोटे निवेशक यहाँ पे जाल में फंस जाते हैं। सो ये कंपनी के भी रिजल्ट आएंगे, देख लेते हैं क्या रिजल्ट आते हैं, कोई बाइंग की तो रिकमेंडेशन है ही नहीं। डिश टीवी ये भी कंपनी ऐसी ही है जहाँ पे छोटे निवेशक हमेशा फंसते रहते हैं, ये भी कंपनी मंगलवार के दिन रिजल्ट पेश करने वाली है। कोई अच्छी कंपनी है तो यस गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, सिगारेट बनाने वाली कंपनी, यस दोस्तों अलग अलग ब्रांड से, मुझे ब्रांड नहीं पता है कौन सी है। सो ये भी कंपनी 1000 के आसपास देखने को मिल रही, ये भी कंपनी अपने रिजल्ट पेश करेगी। सो इसके ऊपर पूरे बाजार के फोकस रहने वाली है। उसी के साथ साथ बहुत चर्चे में रहने वाली कंपनी एंड फिलहाल का पेनी स्टॉक वोडाफोन आइडिया, 10 रुपये के आसपास चलने वाला स्टॉक है, ये भी कंपनी मंगलवार के दिन अपने Q4 के अर्निंग्स यहाँ पे पेश करने वाला है। लास्ट टू लास्ट टाइम जब कंपनी ने रिजल्ट पेश किए थे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था, इतने खराब Q4 के नंबर्स आज तक किसी कंपनी ने नहीं दिए जितने वोडाफोन आइडिया ने एंड एयरटेल ने यहाँ पे दे दिए थे। सो इस वक्त क्या कंपनी अपने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ती है, यही अभी सभी लोगों की नज़रें यहाँ पे इसी स्टॉक के ऊपर टिकी हुई रहेगी। उसी के साथ साथ रेलवे से जुड़ा हुआ आरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, यस दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, इसके ऊपर भी यहाँ पे नज़रें रहने वाली हैं जो मंगलवार के दिन आप लोगों को रिजल्ट पेश करने वाली है। कितने सारे स्टॉक से देख लेना दोस्तों, एंड ये कोई छोटे मोटे स्टॉक नहीं है। उसके बाद मिश्र धातु, मिधानी, आप सभी लोगों को पता है बीच में मैंने वीडियो भी बनाया दिया था, बुलेट प्रूफ जैकेट से रिलेटेड भी, हेलमेट से रिलेटेड भी, बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को यहाँ पे इंडिया चाइना के टेंशन के बाद यहाँ पे मिल चुका है। सो मिश्र धातु इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। सो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, बहुत लंबी लिस्ट है आप सभी लोगों को पता है, फटाफट यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद NBCC, आप सभी लोगों को पता है आम्रपल्ली से रिलेटेड जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसके बाद NBCC में हम लोग को रौनक देखने को मिली थी, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट अटका हुआ था वो NBCC को ही कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कहा गया था। सो डेफिनेटली इस स्टॉक के भी रिजल्ट के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। ONGC बहुत ही गजब की कंपनी है, बट रिटर्न कमाने के लिए नहीं, अभी हम लोग देख सकते हैं फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, कभी डूब नहीं सकती, बट रिटर्न ज़्यादा यहाँ पे नहीं आते, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से पैसा यहाँ पे नहीं मिलता। सो ONGC के भी रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग और आगे जाए तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा डायरेक्टली यहाँ पे उसके बाद कोई बड़े रिजल्ट नहीं है। 1 जुलाई की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा कोई बड़े रिजल्ट नहीं है अभी, उसके बाद 1 जुलाई अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एवर रेडी इस कंपनी के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। आप सभी लोग पता है ऑलमोस्ट ये स्टॉक खत्म ही हो चुका है, बट इसके भी रिजल्ट आएंगे उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। उसी के साथ साथ 1 जुलाई से आप लोगों ने ऑटो कंपनियां हैं, ऑटो जितने भी कंपनियां हैं उनके ऊपर नज़रें रखना शुरू कर देना चाहिए, वॉच लिस्ट में ऐड करनी चाहिए, क्योंकि उनके जो इस जून मंथ के नंबर्स रहेंगे सेल्स के आंकड़े हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें 3 जुलाई की, यहाँ पे डायरेक्ट 2 जुलाई में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, 3 जुलाई की अगर हम लोग बात करें उसके ऊपर आ जाते हैं। सो यहाँ पे गति करके स्टॉक है, यस दोस्तों उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। सो आप लोग कह सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक थे जो हाईलाइट मैंने आप लोगों को करके बताया, आप लोगों ने वॉच लिस्ट बनानी है यहाँ पे एंड इनको ऐड करके रखना है।
एंड यहाँ पे स्टडी करना है कि ये स्टॉक कैसे परफॉर्मेंस देते हैं, रिजल्ट के एक दिन पहले, रिजल्ट के बाद, रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट अच्छे रहे तो भी कैसा परफॉर्मेंस दिया, खराब रहे तो कैसे परफॉर्मेंस दिया, क्या स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट किया, ये एनालिसिस आपको खुद ब खुद सीखना पड़ेगा, कोई आके आप लोगों को ये सिखाने वाला नहीं है। जो ये एक्चुअल में खुद ब खुद यहाँ पे ये सारी चीज़ें करता है दोस्तों, वो आने वाले समय में 1 से 2 साल के बाद स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट खुद ही एक्सपीरियंस से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद ब खुद ये सारी चीज़ें की है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक्सपीरियंस ये सबसे बेस्ट होता है। एंड एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? जब तक आप लोग ये चीज़ें नहीं करोगे। सो प्रैक्टिकली ये चीज़ें अगर आप करोगे, एक लिस्ट बनाओगे, सीखोगे, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, तो मेरा एफर्ट्स अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।